पैगंबर ने फरमाया जब लोग माल गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से महाब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे, जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, सुनने की वजह से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताइए दाएं वाले बाबू लोग सुन रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं ना, माशाल्लाह। ये हमारे बच्चे लोग जो बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं, ये सारे बच्चे कुर्सी पर बैठकर और हमारे जवान बुजुर्ग चचा सब लोग बैठकर सुन रहे हैं। सुनिए, गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता है। आप जब तक सुनोगे आपको सवाब मिलेगा। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, फिर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, अब पहली वाली हदीस में 7, अरे पहली वाली हदीस में और दूसरी वाली में 15, तो 15 7, अरे जोर से बोलो 15 7 22। अब आगे सुनिए तीसरी बर्बादी वाली हदीस कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है और बचने का रास्ता मैं आखिरी में बताऊंगा। तीसरी हदीस बड़ी भयानक हदीस है, दिल से सुनिएगा, जो नहीं सुनेगा वो पछताएगा बहुत। इधर देखिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल क्लियर। तीसरी बर्बादी वाली हदीस सुनिए कि आज जो मुसलमान बर्बाद हो रहा है, पैगंबर ने 1400 बरस पहले खबरदार कर दिया था, आपको आगाह कर दिया था कि मेरी उम्मत होशियार रहना, ऐसा ऐसा वक्त आएगा। इजाजत दीजिए तो अब मैं चौथी हदीस ऐसी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुन लो, मिश्कान शरीफ, जोर से बोलो मिश्कान शरीफ, जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا ياتينا على امتي كما اتى على بني اسرائيل حزب النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانيا لكان في امتي من يصنع ذلك فان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله فقال ما انا عليه واصحابي। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, बहुत शानदार हदीस सुनाई कसम खुदा। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बोशो, बोशो, जल्दी बैठो, इजाजत है
जल्दी बोलो इजाजत है। कई हदीस सुना चुका है, अरे पहले तीन और अभी चौथी। अरे बोलो कई हदीस, तीन का मतलब सुन लिया, चौथी का मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा कलेजा। ध्यान से फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं यहां तक के अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर ऐसा आदमी होगा जो अपनी मां के साथ ये हरकत करेगा, बनी इसराइल की एक्टिंग करेगा, जरूर इस बदफेली को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से मेरी उम्मत के लोग 73 में बट जाएंगे, एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता नाता होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इसलिए 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा कौन सा फिरका है, तो नबी ने फरमाया लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख जमाना करवट बदले, चाहे तलवार चले, चाहे बुलडोजर चले, चाहे बम बारूद गिरे, मगर कान खोल कर सुन लो, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर फिर से थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर समझना चाहते हैं, लगता है थोड़ा कम समझे आप, अगर कम समझे हो तो साफ समझने के लिए एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इनको बैठाओ, कहाँ जा रहे, अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए। अरे बोलो, अरे बोलो, और अगर जरूरत नहीं है तो उनको भी कहिए बैठे। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, इजाजत है तो बाबू लोग फिर से सुन लो। इधर देखिए, मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, नबी ने क्या कहा जल्दी बोलो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है, जिसको आप इसराइल कहते हो वो बनी इसराइल है। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है, और यहूदी और नसरानी याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उन 10ों की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। ये बड़े शातिर होते हैं, बड़े बदमाश, बड़े फरेबी, बड़े चालाक। उन 10ों बेटों ने याकूब अलैहिस्सलाम को अपने अब्बा को धोखा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, उन्हीं 10ों की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है, क्रिश्चियन कहा जाता है। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा, यहां तक के अगर बनी इसराइल में से किसी ने
अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कोई ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। अपनी मां के साथ उसी यहूदी की तरह बदफेली करेगा। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे मोहम्मद, नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम रखेंगे मुसलमान का, मगर अंदर से सबके सब यहूदी होंगे। कल्चर यहूदी, तरीका यहूदी, सोच यहूदी, नजरिया यहूदी, बोलना यहूदी की तरह, घर का माहौल यहूदी की तरह, उनकी बेटियां यहूदी की तरह, उनकी बीवियां यहूदी की तरह। नबी फरमाते ये 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम के मुसलमान होंगे, अंदर से सब के सब यहूदी होंगे और यहूदी से उनका कनेक्शन होगा, सबका तार यहूदी से जुड़ा होगा। एक फिरका जन्नती वो कौन सा है? वो फिरका जन्नती होगा लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा, हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप इतना समझ गए तो अब आप एक बात बताओ कि हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, हम लोग क्या है? और जोर से बोलो, हम लोग क्या है? अच्छा ये बताओ, सुन्नी लोग नए हैं कि पुराने? अरे जोर से बोलो, पुराने। ये मत समझना कि सिर्फ गुलाम रब्बानी सुन्नी है, ये मत समझना कि मौलाना इस्माउल हक साहब सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ मुफ्ती जुबैर साहब सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ कानूपुर वाले सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ हुजूर दूल्हा मियां सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ हुजूर मसरूर मियां सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ मसूद मियां सुन्नी है, ये मत समझना कि जोर से बोलो बोलो ये इस बस्ती और गाँव के लोग हिंदुस्तान के लोग सुन्नी है, ऐसा नहीं। सुन्नी लोग नए नहीं, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। इधर देखिए, आज से 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज जितने लोग वहाबी बने हैं सब पहले सुन्नी थे। जितने लोग देवबंदी बने हैं सब पहले सुन्नी थे। जितने लोग कादियानी बने हैं सब पहले सुन्नी थे। और सिर्फ यही लोग सुन्नी नहीं, इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनके शेखुल हदीस सुन्नी, सब के सब सुन्नी से। लेकिन बदले कब से? इधर देखिए, आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी थे। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत बदली, और बदलने वाला कौन था? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जहां से वहाबी फिरके की शुरुआत हुई है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद की फौज ने मिलकर तुर्कियों से बगावत किया, तुर्कियों को सऊदिया से भगाया, तो बोलो तुर्कियों को तुर्कियों से कत्लो कताल किया और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करके अपनी हुकूमत बनाई। तो जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे, एक प्लेटफार्म पर थे। तुम्हारे बाप दादा सुन्नी, तुम्हारे लक्कर दादा सुन्नी, तुम्हारे मुफ्ती मौलाना सुन्नी, जितने लोग देवबंदी है सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग वहाबी हैं सब पहले सुन्नी थे,
जितने लोग कादियानी हैं सब पहले सुन्नी थे, आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी थे, लेकिन तुर्कियों के बदलते ही सब बदलने लगे। हमको बदलने वाला कौन, हमको बर्बाद करने वाला कौन, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म कराने वाला कौन? ये यहूदी, यहूदी आज देख रहे हो, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को बर्बाद करने वाला वन नंबर पर है। हम पहले एक थे, हमको टुकड़ों में यहूदियों ने बांटा, हमको बोलो गांव गांव में यहूदियों ने बांटा, हमको फिरकों में यहूदियों ने बांटा। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी बनकर थे, लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई वहाबी फिरका यहूदियों के बहकावे में आकर आले सऊद की फौज से मिलकर के तुर्कियों से बगावत किया, अपना बोलो बोलो अरब पर कब्जा किया। जैसे कब्जा किया, जिस अरब में यहूदी लोग दाखिल नहीं हुए थे जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, एक भी यहूदी अरब में नहीं था। लेकिन जैसे यहूदियों की बोलो तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, यहूदियों का आना अरब में शुरू हो गया, और जैसे आना शुरू मुसलमानों की बर्बादी शुरू हो गई। तो हमको बर्बाद किसने किया, बोलो वहाबी फिरके के लोगों ने। वहाबी फिरके को बर्बाद किसने किया, यहूदियों ने। किसने, जोर से बोलो, यहूदियों ने। यहूदी ने बोलो वहाबी को बर्बाद किया, और वहाबी ने अरब में बैठकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। जितने सुन्नी थे सबको बदल डाला, बाप को बेटा से तोड़ दिया, गांव को गांव से तोड़ दिया, भाई को भाई से जुदा कर दिया। तो हम लोग नए नहीं, नए वहाबी फिरके हैं, नए और लोग हैं जो पहले सुन्नी थे बाद में बदले हैं। मेरी तरफ देखिए, हमारा कोई नया अकीदा नहीं, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो आ रही है, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, हमारा दीन हम तक डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? अरे बोलिए, हमारा दीन हम तक डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। ये बोल रहा डायरेक्ट, हमारा दीन हम तक कैसे पहुंचा, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बोलो डायरेक्ट किनके पास पहुंचा, सहाबी के पास। किनके पास? अरे बोलो डायरेक्ट किनके पास पहुंचा, सहाबाए किराम के पास। नबी ने सहाबा को डायरेक्ट दिया, इधर देखिए, सहाबा ने नबी को देखा ईमान, अपने ईमान की हालत में, और ईमान ही पर उनका इंतकाल हुआ। तो इधर देखिए, सहाबा को हमारा दीन डायरेक्ट मिला, कुरान जोर से बोलो डायरेक्ट मिला, हदीस डायरेक्ट मिली, लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट नहीं, सहाबा ने। इधर देखिए, सहाबा ने ताबेईन को दिया, ताबेईन ने तबे ताबेईन को दिया, तबे ताबेईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, और बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में कुरान फैलाया, हदीस फैलाई, कुरान के पारे फैलाए, हदीस की किताबें फैलाई। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक कुरान पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हदीस पहुंची, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हमारा दीन पहुंचा, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है, उनका वही अकीदा है, उनका वही तरीका है, उनका वही मसलक व मशरब है जो हम अहले सुन्नत
वल जमात का है। इसलिए याद रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, किसी दज्जाल के बहकावे में मत आइए। जितने फिरके बने हैं ये सब पहले सुन्नी थे, तुर्कियों के बाद ये सब फिरके बने 250 बरस के अंदर। और इधर देखिए, फिरका बनाने में यहूदी का हाथ है। हमको बर्बाद किसी ने किया तो यहूदी ने किया। इसलिए होशियार रहिए। एक बात और बताइए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अरे बोलो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अरब कंट्री कितनी है? अरे बोलो, 57। 57 कंट्रीज इस्लामी। अरे बोलो, 57 इस्लामी कंट्रीज, यानी बोलो 57 इस्लामी कंट्री है। अगर वो मिल जाते तो बोलो इज़राइल की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन सब गीडर भपकी मारते रहे। फिलिस्तीन मरता रहा, फिलिस्तीन के मुसलमान शहीद होते रहे, घर बर्बाद हो गया, बच्चे बर्बाद हो गए, पूरा खानदान बर्बाद हो गया, लेकिन ये 57 इस्लामी कंट्री हाथों में चूड़ी पहनकर तमाशा देखती रही। ये तमाशा इसलिए देखे कि ये सब नाम के मुसलमान हैं, अंदर से सब यहूदी बन चुके हैं। उनका घर यहूदी, उनकी बीवी यहूदिया, उनके घर में खाना बनाने वाली यहूदिया। इधर देखिए, औरत के पेट में बच्चा पलने वाला भी यहूदी है। तो नाम के मुसलमान है, अंदर से सब यहूदी बन चुके हैं। होश में आओ, तुम पर भी वो वक्त आने वाला है। आज स्कूल और कॉलेजों में आप पढ़ते हो, मना नहीं है, बच्चों को खूब पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लेकिन अपने बच्चों को यह भी सिखाइए, बेटा सब कुछ सीखना मगर यहूदी मत बनना, नसरानी मत बनना, जहां रहना मुसलमान की औलाद बनकर रहना, नबी के गुलाम बनकर रहना, दूल्हा मियाँ के मुरीद बनकर रहना, हुजूर मसरूर मियाँ के दीवाने बनकर रहना, इसी में कामयाबी है। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको चौथी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? लेकिन अच्छा ये बताइए, मुझसे भी तो पूछो कि आप थके कि नहीं। अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए कि बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बताओ बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? कुछ लोग कह रहे हैं बनाने में, खाने में है? अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बाबरची बन जाएगा। तो तकरीर बोलो सुनने में मेहनत नहीं, करने में है। गुलाम रब्बानी का जुब्बा देख रहे हो, ये सावन भादो की तरह पानी बरसा रहा है, लेकिन जुब्बा अलग बरसा रहा है, लेकिन फरिश्ते ऊपर से रहमत बरसा रहे हैं। अरे जोर से बोलो, ये इधर से पानी मेरे जुब्बे से गिर रहा है, उधर से रहमत का पानी मुझ पर बरस रहा है। इजाजत दीजिए तो नबी ने जो 4 हदीसें मैंने आप तक अपने प्यारे आका की हदीसें पहुंचाई, इससे बचने का रास्ता क्या है वो सुनिए। मैं आपको हदीस सुनाता हूं। अरे बोलो, अगर मुसलमान चाहता है कि हम अल्लाह के करीबी बने, अल्लाह के नेक बंदे बने, तो इस हदीस को सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिश्का शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 206 की हदीस सुनो। अन अबी सईदिन अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الشيطان قال وعزتك يا ربي لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم
الرحيم فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. زور سے بول دو سبحان اللہ. زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا 15 منٹ, ٹائم کتنا ہوا؟ دیر بج گئے, 1:24. یہ کہاں جا رہا ہے؟ ارے یہ کہاں جا رہا ہے؟ اے بیٹھو بیٹھو, جلدی بیٹھو. اچھا یہ بتائیے, میری تقریر بوجھ لگ رہی ہے؟ ارے بولو بوجھ لگ رہی ہے؟ اگر بوجھ لگ رہی ہے تو ختم کر دوں. یہ دیکھیے مٹھائی آ گئی. تبرک, آپ یہ مت سمجھے گا کہ غلام ربانی صاحب کی صرف تقریر ہم سنیں گے. نہیں, تقریر تو سنیں گے ہی. یہ ہمارے بچوں نے, کیا نام ہے؟ واہ, چشتی بابو نے, غلام چشتی بابو نے اور ان کے ساتھیوں نے صرف غلام ربانی کو نہیں بلایا ہے, آپ کے لیے تبرک بھی بنوایا ہے. اب وہ بھی ماشاءاللہ, ادھر دیکھیے, ادھر غلام ربانی اور ادھر تیار ہے بریانی. ادھر غلام ربانی اور ادھر ہے تیار, زور سے بولو بریانی. تو پہلے آپ غلام ربانی کو سنیے پھر بریانی کھائیے. آپ ادب سے بیٹھیے, میں نے آپ کو حدیث سنائی, سنیے مطلب سنیے, طبیعت مچل جائے گی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا, کہاں سے نکالا؟ زور سے بولو, جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان اللہ سے کہنے لگا, اے اللہ میں نے تجھ کو کروڑوں سجدے کیے, جنت سے نکالا نہ گیا, میں نے کروڑوں برس تیری عبادتیں کی, جنت سے نکالا نہیں گیا, مگر اے اللہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا, آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں. تیرے عزت و جلال کی قسم, میں آدم کی اولاد کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جب تک آدم کی اولاد کے بدن میں روح باقی رہے گی, جب تک اس کی اولاد زندہ رہے گی میں اسے بہکاتا رہوں گا, کبھی شراب پلاؤں گا, کبھی جوا کھلواؤں گا, کبھی طلاق دلواؤں گا, کبھی آپس میں لاٹھی چلواؤں گا, میں بہکاتا رہوں گا. یہ کس نے کہا؟ شیطان نے اللہ سے کہا. تو اللہ کی دریائے رحمت کو جوش آیا, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, اے مردو شیطان سن لے, وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. رب نے فرمایا, اے مردو شیطان سن لے, اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا, تیرے بہکاوے میں آ گیا, اگر گناہ کر لیا پھر رو رو کر توبہ کر لیا تو مجھے عزت و جلال کی قسم میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو. حضرات قسم خدا, آپ کا رب ہمارا رب, ارے بولو بڑا رحیم ہے, بولو زور سے بولو, ارے زور سے بولو بڑا رحیم, بڑا رحیم و کریم ہے. یہ بتاؤ, آپ اگر غلطی کرتے ہو تو آپ کی ماں آپ کو تماچا مارتی ہے, آپ غلطی کرتے ہو تو آپ کے ابا بولو آپ کو ڈانٹ لگاتے ہیں, تماچا مارتے ہیں. اگر آپ غلطی کرو گے تو آپ کا بڑا بھائی دیکھ کر آپ کو تماچا مارے گا. آپ ذرا غور کرو, آپ غلطی کرو گے تو آپ کا ٹیچر, آپ کا استاذ آپ کو ڈنڈا لگائے گا. لیکن رب کی رحیمی کریمی دیکھو, رب دیکھتا ہے کہ بندہ چوری کر رہا ہے, رب دیکھتا ہے کہ بندہ شراب پی رہا ہے, رب دیکھ رہا ہے کہ بندہ
गुना पे गुना पाप पे पाप कर रहा है वो कादिर मुतलक है। अगर वो चाहे तो सांप को बेच भेज दे और कहे जाओ उसको डस लो, अगर वो चाह ले तो बिच्छू को भेज दे और कहे के जाके डंक मार दो, अगर वो चाह ले तो आसमान को तोड़ कर गिरा दे, अगर वो चाह ले तो सूरज को करीब कर दे, आपको जलाकर खाक कर दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है मगर वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। वो खुद फरमाता है इन्ना रहमती सबकत अला गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। क्या मतलब? अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी शराबी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी जानी को फौरन सजा नहीं देता, जबकि वो देखता है, वो सुनता है, वो जानता है, मगर सजा क्यों नहीं देता? वो बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है, बंदों को तौबा करने का मौका देता है, बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा नहीं सुधरता, जब बंदा तौबा नहीं करता, जब बंदा होश में नहीं आता, पाप पे पाप करता चला जाता है, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, और जब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। अल्लाह अपने बंदों को पहले तौबा का मौका देता है, लेकिन जब वो होश में नहीं आता तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी, अल्लाह की रस्सी बड़ी सख्त है। जब वो अपनी रस्सी को टाइट करता है तो कुत्तों से बदतर उसकी मौत होती है, फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, उसको बचा नहीं सकता। इसलिए ऐ शराबियों, अगर तुम शराब पीते हो तुमको कुछ नहीं होता, तो ये मत सोचना कि अल्लाह कादिर नहीं है। अल्लाह तो कादिर है, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है, तुमको तौबा करने का मौका दे रहा है, तुमको होश में आने का मौका दे रहा है। अब भी वक्त है, तौबा करो, वरना तुम्हारी मौत सूअर से बदतर होगी। होश में आओ, होश में इजाजत दो तो एक वाकया सुनाऊं। इजाजत है? अर जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है? एक वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, दस मिनट, दस मिनट में भी थक गया। अर बोलो इजाजत है? बहुत सारा वादा मैंने कर लिया, लेकिन हो सकता है कि सारा वादा मैं निभा नहीं सकूं, फिर कभी आऊंगा कानूपुर या इलाके में। तो इधर देखिए, बातें रह जाएंगी आप बोलोगे इंशाल्लाह, मैं उसे जरूर बयान करूंगा। इधर देखिए, एक वाकया सुनिए बहुत शानदार। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। इधर देखिए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में एक मर्तबा एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको पकड़ के लाया गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। किनके दरबार में? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठिए। इधर देखिए, दस मिनट और। इधर देखो, दस मिनट बर्दाश्त करो। इधर देखो, दो बजे जलसा खत्म होना है। इधर देखिए, मेरी तकरीर खत्म होगी, शायद मौलाना असमाउल हक साहब अभी बोलेंगे, अब आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, बहरहाल मेरी तरफ देखिए, एक वाकया सुनिए बहुत शानदार। फारूक आजम के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको? जोर से बोलो। फारूक आजम ने जल्लाद को कहा, इसका हाथ काटो। क्या कहा? इस्लाम में चोर की सजा क्या है? जोर से बोलो, चोर की सजा हजरत। अरे बोले, चोर की सजा क्या है? हाथ काटना। इधर देखिए, हजरत फारूक आजम ने फरमाया, इसका हाथ काटा जाए। जैसे चोर का हाथ काटने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा, चोर माफी मांगने लगा। कहा, हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मुझे माफ कर दिया जाए। मैं आज के बाद से वादा करता हूं कभी चोरी नहीं करूंगा। जैसे फारूक आजम ने सुना तो फारूक आजम ने फरमाया, आए चोर,
तू झूठा है, झूठा है, मक्कार है, मक्कार है, ढोंगी है। तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं किया है बल्कि सैकड़ों बार चोरी की है, तब तुझको गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी चोर को फौरन सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता, उसको सुधरने का मौका देता। जब नहीं सुधरता, सीना को पत्थर बनाकर खूब चोरी करता है, खूब जिना करता है, खूब चोरी डकैती करता है। जब पाप का बोलो, उसका पाप सर के ऊपर जाता है, इधर देखिए, तो अल्लाह फिर फरिश्तों के जरिए उसकी गिरफ्तारी करवाता है और उसको सजा दिलवाता है। तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। इजाजत दीजिए तो एक और 5 मिनट में बहुत अच्छा वाक्य। सो क्यों रहे हो? अरे बोलो, सो क्यों रहे हो बाबू? मैं तुमको बोल रहा हूं, चैनल वाले को। अच्छा ये बताइए, कितने चैनल वाले हैं यहां पर? अरे बोलिए, कम से कम 15-16 तो है। अरे बोलो, 15-16। इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए। ये छोकरा कहां जा रहा है? छोकरा को बैठो, बैठो, बैठो। कहां जा रहा है? एक वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। इधर देखिए, फिर कभी आऊंगा तो आपको सुनाऊंगा, बिरयानी आपकी ठंडी हो जाएगी। आप कहोगे रब्बानी साहब इतनी लंबी तकरीर करने लगे कि रब्बानी साहब तो गर्म रहे, बिरयानी ठंडी हो गई। अरे बोलो, अगर मैं लंबी तकरीर करूंगा तो आप कहोगे रब्बानी साहब तो गर्म रहे मगर बिरयानी ठंडी पड़ गई, तो मैं वो नहीं काम करना चाहता। मैं चाहता हूं जैसे मैं गर्म हूं, जैसे रब्बानी गरम है, वैसे बिरयानी गरम रहे। अरे बोलो, इजाजत है तो एक वाकया सुनिए। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री एक दफा एक दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा, इधर देखिए, अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला डेंजर बिच्छू। क्या? क्या खतरनाक जहरीला बड़ा डेंजर बिच्छू सामने से आ रहा है। जैसे आपकी नजर पड़ी बिच्छू को देखने लगे, अचानक आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे गया। अचानक एक मेंढक ऊपर आया, बिच्छू मेंढक की पीठ पर बैठा और मेंढक बिच्छू को लेकर दरिया उस पार गया और किनारे जाकर छोड़ दिया। अब बिच्छू बड़ी तेजी से चलने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री बिच्छू को जब देखे कि दरिया उस पार गया और बड़ी तेजी से जा रहा है, आप पीछे पीछे हो, पीछे पीछे बिच्छू के हो गए, बिच्छू आगे आगे, आप पीछे पीछे। आपने अचानक देखा बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। अचानक आपने देखा एक दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था, ये बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप एक मिनट में दम तोड़ दिया, सांप मर गया। बिच्छू पीछे आया, दरिया के किनारे पहुंचा, फिर मेंढक ने अपनी पीठ पर बैठाया और उस पार ले जाकर छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं सजदे में चले जाते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरी हिकमत तेरा राज कोई नहीं जानता। अल्लाह लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा वली है। अल्लाह उसे सांप डसने वाला था लेकिन तूने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तूने सांप से उस जवान लड़के की जान बचा ली। ये अल्लाह लगता है ये तेरा नेक बंदा है, ये वली है। आपके दिल में ये ख्याल आया, आप आहिस्ता आहिस्ता जवान की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जवान के करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा,
जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू मिली, आप चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे, परवरदिगार ये तो शराबी है, ये तो ये अल्लाह नापाक इंसान है, ये अल्लाह ये तेरा नाफरमान है, इसे तो मर जाना चाहिए, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये अल्लाह, सांप इसे डसने वाला था, तूने जहरीले बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और तूने सांप से इसकी जान बचा ली, ये अल्लाह ये तेरा राज क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर देखिए निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम वाला है, बड़ा रहीम व करीम है, तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदे को फौरन सजा नहीं देता, तुम्हारा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तुम्हारा रब तुम्हारी माँ से ज्यादा, तुम्हारे बाप से ज्यादा, तुम्हारी आलो औलाद से ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत करता है, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अपने किसी भी बंदे को वो फौरन सजा नहीं देता, बल्कि सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। ऐ सुन्नून मिस्री, देखना जब इसको होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। हजरत जुन्नून मिस्री बैठ गए, जब उसे होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया और वाकया सुनाया, ऐ शराबी अब भी वक्त है, तौबा कर ले, देख तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा था, सांप तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने एक जहरीले बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया, लेकिन तेरी जान बचा ली, क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा कर ले? इतना सुनना था, चीख मार कर रोने लगा, कहने लगा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी गलती माफ कर दे, आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं। ए अल्लाह, एक नापाक शराबी पर इतना बड़ा करम कि तूने सांप को मरवा दिया और मेरी जान बचा ली, मुझसे बड़ा नाकारा कौन? ए अल्लाह, आज से मैं तौबा कर रहा हूं कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब जब तक जिंदा रहूंगा तुझे सजदा करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तेरा नाम लेता रहूंगा, जब तक सजदा, जब तक जिंदा रहूंगा ये अल्लाह तुझ पर जान निछावर करता रहूंगा। ये है अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वालों की शान, अल्लाह के नेक बंदों का मकाम। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, गलती किससे नहीं होती। अगर बीवी को तकलीफ पहुंचा चुके हो तो तौबा करो, माँ बाप को गाली दे चुके हो तो तौबा करो, पीर की शान में गुस्ताखी कर चुके हो तो तौबा करो, अपने नबी के बारे में इधर उधर सुन चुके हो या गलती से बोल चुके हो तो तौबा करो, अभी भी वक्त है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तौबा कबूल फरमाने वाला है, वरना ठोकर लग जाएगी, मर जाओगे, बिना तौबा के मरोगे तो समझ लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। आज भी हो जो बड़ा ही इंसान ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी ने जो वादा किया वो पूरा तो किया, लेकिन आधा वादा पूरा किया। फिर कभी आऊंगा तो जो बचा खुचा मामला है फिर इंशाअल्लाह कानूपुर बंगाल वाले, मुर्शिदाबाद वाले और जंगीपुर वाले, फरक्का वाले इस इलाके के जितने मुसलमान भाई हैं,
इंशाल्लाह सबके कानों तक गुलाम रब्बानी का पैगाम जरूर पहुंच। मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की लज्जतें और मोहब्बतें क्या हैं। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, बीवी का शौहर पर हक क्या है और शौहर का बीवी पर हक क्या है, बच्चों का मां बाप पर हक क्या है और मां बाप का बच्चों पर हक क्या है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिरी में यह बताना चाहूंगा, आज हम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जलील हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है, हमारी बर्बादी का कारण क्या है और उस बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है। बस इतनी सी गुफ्तगू आज आप मेरी तकरीर में सुनिए, कोई उठक बैठक ना करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चुपचाप से बैठिए, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर, दोनों जहां के दाता वो अका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौशह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान न आते ना कल कौसर, शाफे मशर साकी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अपने अंदाज में पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ें। सैयदीना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं, बड़े शरीफ, बड़े नेक। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद उनको फिर सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर को सजाए मौत अंग्रेज ने देना चाहा तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं। मुलायजा फरमाए, बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, दो गज भी मिल सकी न जमीन कुवे यार में। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, मौजू तो बहुत है लेकिन आज के हालात को देखकर इस मौजू पर हमें खिताब करना पड़ता है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाहो बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा
वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में आप जाग कर बैठो, बेदार होकर बैठो, होशियार होकर बैठो, कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले और तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे, दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे, दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उन्हें याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, हुजूर मसरूर मियां को देखो, हुजूर दूल्हा मियां को देखो, हुजूर शाह हुजूर 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 दूल्हा मियां को देखो, हुजूर मखदूमे पंडवी को देखो, हुजूर पीराने पीर को देखो, हुजूर मखदूमे समनानी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप को गालियां देकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो पड़ोसियों पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो इस्लाम का वफादार होकर मरता है, जो दीन का वफादार होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर आए कानूपुर बंगाल के मुसलमानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी को तलाक देकर मत मरो, बीवी का हक मार के मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो। ऐसा आदमी जब दुनिया से मरता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, ऐसे आदमी को जब मौत आती है तो लोग खुशियां मनाते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। वो काम करके मत मरो कि दुनिया तुम पर लानत भेजे, दुनिया तुम्हारे लिए बद्दुआ करे,
वो काम करके मत मरो कि दुनिया तुम्हारी मौत पर खुशियां मनाए, वो काम करके मरो कि मरने के बाद दुनिया तुम्हारी मौत को सुनकर आंसू बहाए, दुनिया तुम्हारी मौत को सुनकर तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे, दुनिया जब तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो कहे फलां की कब्र है, चलो फातिया पढ़ लिया जाए। तुम वो काम करके मरो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बताओ आप हुजूर दूल्हा मियां के मानने वाले हो, हाथ उठाकर बोलो मानने वाले हो कि नहीं। हुजूर मसरूर मियां के मानने वाले हो, बोलो मानने वाले हो कि नहीं। अरे जोर से बोलो। और हुजूर मसूद मिल्लत सैयदुल शाह मसूद मियां के आप मुरीदीन हैं कि नहीं, जोर से बोलो। सब लोग हैं मेरी तरफ देखो, आप जरा गौर करो, तुम्हारे बाप मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे दादा मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे गांव के लोग मर गए उनको कोई याद नहीं कर रहा है, और दूल्हा मियां को सब याद कर रहे हैं, मसरूर मियां को सब याद कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, गरीब नवाज को सारी दुनिया याद कर रही है। जब गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, मगर जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है वो हमेशा के लिए जिंदा रखा जाता है, वो लोगों के दिलों में भी जिंदा रहता है और अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो। कानूपुर वाले के कान में मेरी बात घुस रही है कि नहीं? मोबाइल में तो सबके, अरे बोलो, मोबाइल में तो बात घुस जाती है मगर कानों में दिल दिमाग में बात घुसे तो इसमें बोलो अच्छी बात है। तो आप मेरी बातों को कानों में घुसाइए, दिल में घुसाइए, दिमाग में घुसाइए। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, गौर से सुनो। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79 अनबी हुरैरता قال قلنا يا رسول الله ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا ان كرنا انفسنا قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں تقوی پہ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں قبر کو یاد کرتے ہیں برائیوں سے بچا کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے گھر چلا جاتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونونا اذا خرجتم من عندي کنتم على حالکم ذلك لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم سرکار نے فرمایا اے
अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, कब्र को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है आप समझे नहीं। अरे बोलो समझे कि नहीं? नहीं 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 समझे लगता है। ये बताइए गुलाम रब्बानी इतना ठहर ठहर के बोल रहा है फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, ये बताओ फिर से समझ लो, अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचा करता हूं, कब्र को याद करता हूं, लेकिन सरकार जैसे घर पहुंचता हूं बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार से मुलाकात करता हूं तो सरकार मेरी हालत बदल जाती है। नबी ने कहा अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जो हालत यहां रहती है वही हालत अगर घर पे बरकरार रहे तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ कानूपुर बंगाल के मुसलमान, वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। इधर देख, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीने के लिए निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब ताश खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है, लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ने के लिए कुरान खोलता है, जब मुसलमान का बच्चा टोपी लगाकर मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा रमजान का रोजा रखता है, जब मुसलमान का बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि आसमान के फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई लेकिन लगता है आप थक गए। थके तो नहीं? जोर से बोलो थके तो नहीं? ये मौलाना असमाउल हक कलीमी साहब, बड़ी प्यारी आवाज, नाज शरीफ भी बहुत शानदार और तकरीर भी बहुत शानदार। ये मुझसे बहुत छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह आज पूरे बंगाल में इनको लोग जानते हैं। आप इनके हक में दुआ करें। देख रहे हैं मेरे दोस्तों में हजरत अल्लामा मौलाना जुबैर साहब किबला, ये मुझको 2500 साल से जानते हैं और मैं हजरत को 2500 साल से जानता हूं, मुझको 2500 साल से सुन रहे हैं और 2500 साल से मैं हजरत को सुन रहा हूं। आप लोग भी माशाल्लाह मेरे लिए कोई नए नहीं पुराने हैं। इजाजत है? अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है लेकिन लगता है बच्चों को पकड़ के बैठाओ, ये छोकड़ा कहाँ गया, जल्दी बैठाओ बोशो। ये लोग समझता है कि रब्बानी साहब बंगाली भाषा नहीं समझते हैं। अरे रब्बानी साहब बंगाल में आते हैं, बंगाल का पानी पीते हैं तो बंगाल का भी मुझ पर असर है। अरे जोर से बोलो, बंगाल का भी मुझ पर असर है। मैं नमक हराम नहीं, जहां का पानी पीता हूं वहां का असर मैं रखता हूं। दिल में मोहब्बत होती है और जबान पर, दिल पर उसका असर होता है। बिल्कुल आप अदब से बैठें, इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस सुनाता हूं, कलेजा दहल जाएगा लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह गौर से सुनो, मिश्कान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله فقال الشرك بالله والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتولي يوم الزاب وقذف المحصنات। حضرت ابو هريره कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया सात चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें, जोर से बोलो, सात चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सात चीजों से बचा करो, अगर गलती हो जाए तो तौबा किया करो। नबी ने फरमाया सात चीजें क्या है, सुनिए। सहाबा ने पूछा सरकार वो सात चीजें क्या है, तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना बल्कि मदद मांगे तो पैसा देकर उससे सूद खाना, उससे रिश्वत खाना, चौथा नंबर गरीब मुसलमान के पैसे पर उनकी जमीन पर उनके मकान पर नाजायज कब्जा करना, पांचवा नंबर किसी मुसलमान का ना हक मर्डर करना, ना हक खून बहाना, छठवा नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना, सातवा नंबर पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये सात चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान कर देंगी। ये बताइए नबी ने कितनी चीजों का जिक्र किया, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, पहले नंबर पे क्या कहा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरे नंबर पर क्या कहा, जल्दी बैठो ध्यान से सुनो, दूसरे नंबर पर क्या कहा, जल्दी बोलो, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर कोई गरीब मदद मांगे या कर्ज मांगे तो कर्ज ना दे पैसा देकर पैसे के बदले सूद खाना, चौथा नंबर किसी गरीब कमजोर मुसलमान की मकान पर जमीन पर पैसे पर नाजायज कब्जा करना, गुंडागर्दी से जमीन को कब्जा कर लेना, पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, छठवा नंबर दीन की बात आए तो सीना दिखाकर भागना नहीं, सीना नहीं दिखाना बल्कि दीन की बात आ जाए तो लोमड़ी की तरह पीठ दिखाकर भागना, और छठवां नंबर बिना किसी प्रूफ के किसी पाक दामन औरत पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना, और सातवां नंबर इधर देखो, सातवां नंबर इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना और तोहमत लगाना, ये सात चीजें ऐसी हैं, इससे जरूर बचा करो, अगर तुम नहीं बचोगे तो तुमको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। तौबा करो, तौबा, मुसलमान बनो मुसलमान, बैठिए मौलाना, मुसलमान बनो मुसलमान, कच्चे मुसलमान नहीं पक्के मुसलमान बनो। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, दो, इजाजत है तो अब मैं तीसरी सुनाऊं।
इधर देखिए जो सबसे बड़ी बर्बादी का कारण क्या है वो हदीस सुनिए कि आज हम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं उससे बचने का रास्ता क्या है और बर्बादी का कारण क्या है। एक लंबी हदीस सुनिए, जल्दी बैठिए जल्दी बैठिए, इजाजत है तो माशाल्लाह एक भी हाथ नीचे ना रहे बाबू लोग, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह गौर से सुनो, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا فعلت امتي 15 خصله هل بها بلاء قيل بما هي يا رسول الله فقال اذا كان المغنم دبلا والامانه مغنما والزكاه مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفى ابا وارتفعت الاسماء في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات المعازف ولعنا آخر هذه الأمة أولا। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो, नींद तो नहीं आ रही है? गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं सिर्फ हदीस बोलता है। जो मेरी तकरीर नहीं सुनी गोया वक्त उसने बर्बाद किया। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। गर्मी इतनी कि बिना तकरीर के जुब्बा भीग रहा है, कमरे में बैठा हूं पसीना गिर रहा है। तो अब तकरीर करने के बाद तो पसीना गिरेगा ना, आपको ना पंखा चलाना है, जो चीज जहां है वैसे ही रहने दीजिए। और ये बैटरी वाला माइक बहुत अच्छा है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं इसकी बैटरी शॉर्ट हुई तो कहीं मेरी भी बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। इसकी बैटरी शॉर्ट तो कहीं मेरी भी बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। दुआ कीजिए इसकी भी बैटरी बाकी रहे और मेरी भी बैटरी बाकी रहे। जल्दी बैठो बेटा, ऐसे मत चलो जैसे लग रहा है कोई कारी साहब आ रहे हैं, है कि नहीं? जल्दी आओ बैठो। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई। अरे बोलो कई नंबर की, जल्दी बोलो। तीसरी हदीस, मतलब सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, मुसलमान मालदार रहेगा मगर परेशान रहेगा, मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा, मुसलमान करोड़पति बन जाएगा मगर परेशान रहेगा। नबी फरमाते हैं जिस दिन 15 खराबियां